नमस्कार, नीरू की रसोई में आपका स्वागत है। ठंड के दिन में गुड़ और तिल बहुत ही फायदेमंद है, तो चलिए आज इन्हीं चीजों से बनाएंगे मिठाई। तो फिर चला जाए नीरू की रसोई में। आज हम बनाएंगे तिल गुड़ रोल। यहाँ पे हमने जो सामान लिया, जिसमें हमने लिया है काजू, बादाम, किशमिश और पिस्ता, इसको छोटे छोटे पीस में हमने काट लिया। तैयारी पहले से रहती ना तो बहुत आराम रहता है। अब यहाँ पे एक कप सफेद तिल लिया। तिल को हमने बिन के पहले ही साफ कर लिया था, क्योंकि इसमें छोटे छोटे ना कंकड़ होते हैं। तिल आप जब भी लीजिए तो ताजा तिल लीजिए, पुराना तिल नहीं लीजिए। और एक कप ही हमने लिया है मावा, ये मावा हमने दूध से बनाया। और आधा कप लिया है हमने गुड़। आज हम मिठास डालेंगे गुड़। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने लिया है एक कढ़ाई, और इसमें हम तिल को लो टू मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। बिल्कुल चलाते रहना है, क्योंकि तिल बहुत जल्दी जल जाता है। मुश्किल से 2 से 3 मिनट में तिल भून जाएगा, और भूनने के बाद ये फूल जाएगा। कलर नहीं चेंज करना है, देखिए फूल गया है बहुत अच्छे से और ये भून भी गया है। अब इसको हम इस कढ़ाई से निकाल के अलग ठंडा कर लेंगे और गैस को कर देंगे बंद। अब उसी कढ़ाई में हमने जो ये मावा लिया था डाल देंगे, और मावे को भी हम लो टू मीडियम फ्लेम में भूनेंगे। हमने 2 तरीके से मावा बनाया हुआ है, दूध से भी बनाया है और मिल्क पाउडर से भी बनाया है। आप मेरे चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। और बस इस मावे को भी लो टू मीडियम फ्लेम में भून लेंगे। इसका भी कलर नहीं चेंज करना है और बहुत ज्यादा ड्राई नहीं करना है। बस ये देखिए गर्म होने के बाद ये मेल्ट हो गया है। बस अब इस जगह पर हम मिठास आज डाल रहे हैं गुड़ की, इसलिए गुड़ डाल देंगे और इसको भी लो टू मीडियम फ्लेम में ही हम भून लेंगे। तिल से और मावे से हमने और भी कई तरीके की रेसिपी बनाई है, जो आप मेरे चैनल पे जाके देखिए और बनाइए। ठंड का मौसम है, तिल और गुड़ तो बहुत फायदा करता ही है। बस इसको भूनते जाएंगे और कलर देखिए अपने आप चेंज हो जाएगा। और बहुत ज्यादा इसको भी ड्राई नहीं करना है। बहुत ही सिंपल है ये मिठाई। आप ठंड के दिन में बना के रखिए, बच्चों को खिलाइए, बड़ों को खिलाइए। बस इस तरीके से जब सिमटने लगेगा गैस को कर देंगे हम बंद। और इसको देखिए सिमट रहा है ना, बस इसी स्टेज पे ही आपको गैस बंद करना है। और इसको भी हम निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में, या फिर इस तरह चला के थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। बहुत ड्राई नहीं कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो रोल बनाने में फट जाएगा। अब तेल बहुत अच्छे से ठंडा हो गया। अब इसको हम करेंगे चर्न। उसके पहले हम 4 चम्मच तेल निकाल के अलग रख लेंगे, ताकि रोल में हम ऊपर से डालेंगे। तिल गरम कभी भी नहीं चर्न करना चाहिए, नहीं तो इसमें अपने आप में एक ऑयल होता है ना, तो वो फाइन पाउडर नहीं बनेगा और वो पेस्ट की तरीके से बन जाएगा। इसलिए जब तिल एकदम ठंडा हो जाए तभी इसको मिक्सी जार में डाल के चर्न करेंगे। और कोई दूध या पानी कुछ भी नहीं डालना, बस दरदरा हम इसको पीस लेंगे। अब इसमें लगा देंगे ढक्कन और इसको चर्न करके हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए है ना दरदरा, बस इसी तरीके से आपको रखना। अगर हम गरम गरम इसको पीस देते ना तो ये एकदम अजीब सा जैसे होता ना पेस्ट, उस तरीके से बन जाता। और ये रखा था हमने पहले निकाल के तिल वो, और ये चर्न किया। अब ये गुड़ और मावा भी हल्का ठंडा हो चुका है, देखिए बिल्कुल ड्राई नहीं ना है। हम आपको एक बार दिखा देते हैं, लेकिन है ना सॉफ्ट, बस इसी तरीके का ही आपको रखना है। बहुत ज्यादा ढीला भी नहीं रखना है और बहुत ज्यादा टाइट भी नहीं रखना है। अब इसमें जो हमने तिल पीस के रखा था इसको कर देंगे मिक्स, और फ्लेवर के लिए डालेंगे इसमें इलायची पाउडर, ताकि थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा बढ़िया सा। और इसको कर लेंगे मिक्स। चम्मच से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, हाथ को साफ कर लिया है, और इसको बस गूंद लेंगे जैसे आटा गूंदते हैं ना अपने आप। इसमें कोई ऑयल का हमने यूज नहीं किया है, घी नहीं डाला है, बस गूंदते जाएंगे। अपने आप देखेगा ये मावा, गुड़ और तिल में से जो ऑयल है उसी से ये बन जाएगा। एकदम जबरदस्त ये हो गया। अब यहाँ पे अपने एक फॉइल पेपर लिया है, और जो ये गूंथा था बस उसी में, देखिए मेरे हाथ में लगा हुआ था ऑयल, बस उसी से ही हम करेंगे। एक्स्ट्रा कोई भी हमने ऑयल लिया ही नहीं है,
बस ये जो गूंथ के हमने तैयार किया था ये है ना बढ़िया, इसको हाथ से हल्के हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे और ये अपने आप फैल जाएगा। अगर बहुत ड्राई हो जाता ना तो ये फैलने में फटता। और उसी से देखिए हमने लगाया बेलन में, थोड़ा चिकना कर लिया कि मान लीजिए कहीं चिपक ना जाए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा ड्राई हो गया है तो आप ऐसा कीजिए हल्का सा दूध की छींटा डाल लीजिए जब आप इसको मिक्स कर रहे थे उस टाइम पे, तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं, हर चीज का ऑल्टर होता है, आप उस तरीके से बनाइए तो ठीक हो जाएगा। बस देखिए आराम से ये फैल रहा है ना, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि हम हर तरीके से आपको दिखाएं कि आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं। बस इस तरीके से सेट कर लेंगे हम, पास से भी आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए बहुत ज्यादा मोटा और ना बहुत ज्यादा पतला, इस तरीके से तैयार कर लेंगे ताकि जब हम रोल कर रहेंगे ना तो आराम से हो जाएगा। और ये ड्राई फ्रूट्स हमने पहले ही काट के रख लिया था, आज हमने बिल्कुल घी का यूज नहीं किया इसलिए हमने ड्राई फ्रूट्स को भूना नहीं। अगर आपको पसंद है तो आप ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा सा घी में भून सकते हैं, हल्के हल्के हाथ से इसको दबा भी सकते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे हमने लिया है नारियल पाउडर, नारियल का चूरा जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा डाल दीजिएगा अगर आपको पसंद है तो टेस्ट और बढ़ जाएगा। और अगर नहीं सेट हो रहा है तो हल्के हाथ से आप बेलन से भी इसको प्रेस कर सकते हैं ताकि ये ड्राई फ्रूट्स इसमें सेट हो जाए। और हल्के हल्के हाथ से बस इसको रोल करेंगे, हाथ से रोल करने में फट सकता है, हम देखिए हाथ से भी करके दिखा दे रहे हैं, नहीं तो सबसे इजी ढंग है बस थोड़ा सा फॉइल को मोड़ते जाइए और रोल करते जाइए, आराम से ही होता जाएगा। बहुत अच्छी मिठाई का टेस्ट आता है, आप इस तरीके से बनाइए, सबको खिलाइए और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए कि आपका गुड़ तिल रोल कैसा बना। बस इस तरीके से इसको हल्के हल्के हाथ से प्रेस करें, बहुत ज्यादा दबाना नहीं है, हल्के हल्के हाथ से प्रेस करें। जब ये सेट हो जाएगा इसको धीरे से खोल लेंगे। अब इस जगह पर जो हमने तिल निकाल के रखा था इसको हम डाल देंगे ताकि ये अच्छे से इसमें लग जाएगा। खाने में तो अच्छा है ये, देखने में भी सुंदर लगना चाहिए ना, तभी ना टेम्पटिंग लगेगा। बस इसको हल्के हल्के हाथ से रोल करते जाएंगे और ये होता जाएगा। अगर इस तरीके से रोल करने में दिक्कत हो रही है तो आप बस ये फॉइल पेपर को लगाते जाइए। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं कोई बात नहीं, आप बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं। और जहां रोल करने में छूट गया है तो हाथ से इस तरीके से सेट कर दीजिए। बस तिल लगाना है, ये आपको अपने से सोचना होगा कि हम कैसे इसको और सेट करें ताकि जब हम कटिंग करेंगे तो चारों तरफ तिल लगा रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके से करते जाएंगे रोल और अगल बगल हाथ से करते जाएंगे सेट। और उसके बाद इसको लपेट के हम रख देंगे फ्रिज में आधे घंटे के। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 15 मिनट के लिए फ्रीजर में भी रख सकते हैं। इसको फ्रिज में हम रख देंगे आधे घंटा हो गया है, एक बार देख लेते हैं। देखिए लग तो रहा है बहुत अच्छा सेट है, मगर एक बार फिर भी वीडियो में दिखा देते हैं। आराम से पेपर को हटा लेंगे, देखिए एकदम अच्छे से सेट हो गया, जो तिल हमने इसमें चिपकाया था कहीं से कुछ नहीं निकल रहा है। बस इसको प्लेट में रख के कटिंग कर लेंगे। अगर आपको प्लेट में रख के कटिंग करने में दिक्कत हो रही है तो आप पेपर में भी रख के कटिंग कर सकते हैं। बहुत मोटा रोल नहीं करना है, बहुत पतला रोल नहीं करना। कितना अच्छा लग रहा है, इसका टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है। इस तरीके से आप रोल बनाइए। और आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। और इस तरीके से काटते जाएंगे और इसको आप आराम से 15 दिन रख के बाहर खा सकते हैं, और फ्रिज में रखेंगे तो 1 महीना खा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ।